हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों साथ शेयर करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन करता है। ऑब्जेक्टिव दोस्तों, प्रामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, आश्लागेटा या मेरुरज्जु। तो आपको बताना दोस्तों इन चार में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला आश्लागेटा। दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्लियर। अगला दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होती हैं, क्या होती हैं। ऑप्शन है मस्तिष्क मेरुरज्जु, मस्तिष्क मेरुरज्जु और अनुमस्तिष्क। ठीक है, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, मस्तिष्क मेरुरज्जु और मस्तिष्क मेरुरज्जु दोनों या अनुमस्तिष्क, बताना है आपको। ठीक है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों केंद्रिका तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अगला दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। ठीक है, कौन करती है दोस्तों, मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑस्टागेटा या उपयुक्त सभी, इसको बताना आपको। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण दोस्तों मेरुरज्जु करता है। कौन करता है, मेरुरज्जु। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। क्लियर। अगला दोस्तों, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है। पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, दूसरा ऑप्शन अंडाशय से, तीसरा दोस्तों वृषण से और थायराइड ग्रंथ से, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय से, एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। क्लियर। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5, बताना है। तो दोस्तों मस्तिष्क को तीन भागों में, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब दोस्तों अपन को चर्चा करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली स्थान दोस्तों आता है ना, रिक्त स्थान दिया रहता है दोस्तों, उसको पूरा करना है। तो लगभग 10 क्वेश्चन है, इसको भी आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिंदी बिंदी के प्रभाव से बीज रहित फल प्राप्त होते हैं, किसके प्रभाव से। दोस्तों मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसको आपको लिख लेना है। जिवरलिन दोस्तों सुने होंगे आप, जिवरलिन, जिवरलिन होता है दोस्तों, इसके प्रभाव से बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। क्लियर। ऑक्सीजन एक बिंदी बिंदी हार्मोन है, दोस्तों बताना है ऑक्सीजन कैसा हार्मोन है। तो दोस्तों एक पादप हार्मोन है, ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। ठीक है, क्लियर। हृदय स्पंदन क्रिया का नियंत्रण बिंदी बिंदी द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो आपको यहां पर दो रिक्त स्थान दिख रहे होंगे दोस्तों, इसका आंसर है मेडुला आश्लांगेटा। हृदय स्पंदन क्रिया का नियंत्रण दोस्तों मेडुला आश्लांगेटा के द्वारा होता है। क्लियर। पीयूष ग्रंथि को बिंदी बिंदी ग्रंथि कहते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर। अगला दोस्तों, तंत्रिका तंत्र केवल बिंदी बिंदी में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, पादप में नहीं पाया जाता, तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में पाया जाता है। अगला, नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले द्रव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो हार्मोन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्मोन। अगला, पलकों का झपकना बिंदी बिंदी क्रिया कहलाती है, कौन सी क्रिया कहलाती है दोस्तों। तो पलकों का झपकना दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अगला, मेरुरज्जु में बिंदी बिंदी भर रहता है, मेरुरज्जु में क्या भर रहता है आपको बताना है। तो दोस्तों भर रहता है सुषुम्ना द्रव, सुषुम्ना द्रव लिख लीजिए आप, सुषुम्ना द्रव भरा होता है। अगला, पौधों में बिंदी बिंदी नहीं होता, क्या नहीं होता, तंत्रिका तंत्र नहीं होता, जो कि अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा हो आपने कि तंत्रिका तंत्र केवल दोस्तों जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता। अगला, दृष्टि एवं सुनने का कार्य बिंदी बिंदी करता है, कौन करता है दोस्तों, तो मस्तिष्क का जो मध्य मस्तिष्क भाग होता है ना, वही काम करता है दोस्तों, क्या, दृष्टि एवं सुनने का कार्य। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार 10 रिक्त स्थान की पूर्ति जो आते हैं, तो 10 मैंने कवर करा दिया है। अब दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव है, दो वीडियो बनाऊंगा, अभी एक में अभी क्लियर कर दूंगा सत्य और असत्य, इसके बाद दोस्तों जो
मैं उचित संबंध जोड़िए, है ना, और आपको एक शब्द में उत्तर है तो अगले वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सत्य और असत्य। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको देखना है, प्रामस्तिष्क स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। क्लियर है? सही है या गलत ये आपको बताना है। प्रामस्तिष्क जो भाग होता है स्मरण शक्ति का केंद्र होता है, आपको बताना है करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है दोस्तों। तो ये सत्य कथन है कि प्रामस्तिष्क जो होता है स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। प्रामस्तिष्क की सहायता से अपन क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, बताना है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, तो ये बात सत्य है दोस्तों। वाकई में अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है नलिका विहीन होती है। अगला, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण प्राणियों के शरीर की सुरक्षा अचानक होती है, अचानक। ठीक है, तो क्या सही है दोस्तों, ये क्या सही है? तो प्रतिवर्ती क्रिया सही है, क्योंकि दोस्तों आपके शरीर में यदि कांटा लग जाए तो तुरंत तुरंत हमारा हाथ उसी भाग पे जाता है, हमारा पैर तुरंत वहां से उठ जाता है, है ना। जैसे दोस्तों पलक में यदि कोई कचरा मतलब आंख में घुस रहा हो, तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा पलक झपकता है, है ना। मच्छर काटता है दोस्तों, तुरंत हाथ वहां पे जाता है। इसका कारण क्या दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया के कारण दोस्तों हमारा जो क्रिया होता है अचानक होता है, तुरंत हो जाता है। जैसे दोस्तों यदि हम छींक लेते हैं तो आंख बंद हो जाता है अचानक, यही कारण होता है प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। अगला, मनुष्य का मस्तिष्क खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, बताना है आपको। मनुष्य का मस्तिष्क खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, तो क्या सत्य है दोस्तों? तो बिल्कुल सत्य है, मनुष्य का मस्तिष्क खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। अगला, मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित किया गया है, ये सही है क्या? तो अभी आपने पढ़ा कि मस्तिष्क को दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया, तीन भागों में, तो यहाँ पर दो भागों में बोला गया है, तो बिल्कुल गलत है। मस्तिष्क को तीन भागों में अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला दोस्तों, जिबरेलिन के द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, बताना है आपको। जिबरेलिन के द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, क्या सही है? तो बिल्कुल दोस्तों कथन करेक्ट है, मतलब सही है। जिबरेलिन के द्वारा ही क्या होता है दोस्तों, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। क्लियर। अगला दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, बताना है सत्य है कि असत्य। ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, तो कथन सत्य है। क्लियर, कि ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा दोस्तों कोशिका का विभाजन होता है। अगला दोस्तों आपको बताना है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो वाकई में कथन सत्य है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अगला, पौधों में पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अभी बताया गया कि तंत्रिका तंत्र केवल दोस्तों किसमें, जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता, तो कथन कैसा होगा? तो कथन फाल्स होगा, मतलब गलत होगा। क्लियर है? अगला दोस्तों, यहां पर लिखा है एब्सिसिक अम्ल, दोस्तों एब्सिसिक अम्ल पौधों को तेजी से बढ़ाया जाता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, इसके द्वारा पौधे को तेजी से नहीं बढ़ाया जाता। अब इसमें दोस्तों मैं कह दूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है, जैसे ऑब्जेक्टिव में आपसे कह दूं दोस्तों, ये आठवां नंबर जो है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर, अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन और है, जिबरेलिन द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, है ना। मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया तो पता है, मनुष्य का खोपड़ी मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और दोस्तों काफी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे पलकों का झपकना किस क्रिया के द्वारा होता है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये किसके क्रिया दोस्तों, तो ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा, तो ये आपसे बनना चाहिए, पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव था, तंत्रिका तंत्र केवल किसमें पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है दोस्तों, केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता, ये बनना चाहिए आपसे, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपको लगभग मैंने कितना कवर करा दिया, लगभग मैंने दोस्तों 20 या 30 ऑब्जेक्टिव कवर करा दिया इस वीडियो में, और जो अगला वीडियो रहेगा दोस्तों उसमें भी लगभग 20 से 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से करा दूंगा। तो आशा करता हूं कि इन सारी चीजों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, और हाँ दोस्तों आप नोट्स बना लें तो और अच्छा रहेगा। और यदि क्रम से वीडियो आपको देखना है ना, क्रम से कि चैप्टर 1 से वीडियो देखना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, तो उनको दोस्तों आप देख सकते हैं। और कहाँ पाएंगे, तो आप पाएंगे प्लेलिस्ट में,
एक काम करा करिए, सर्च में जाकर शिव कोचिंग क्लासेस सर्च करिए और वहां पर दोस्तों आप शिव कोचिंग क्लासेस को ओपन कीजिए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे और वहां पर पूरी पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।